मैं हूं उसका, वो है मेरा, बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते, असली निशाना तो वहां। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है, अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको। लेकिन जो इन्होंने मौका दिया है हमको, उस पर इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है, कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना गया है, इन लोगों को लकुआ मारा हुआ है, अभी भी नहीं, वो काटता है तो पूरा बिछलता है, हड्डा हड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते हैं उसको, काटता है तो क्या होता है, यहाँ जलन जो होता है, क्या होता है उसको, जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है महोदय। बिस बिसाता है, एकदम बिस बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे हैं, तुरंत कूद फान कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े हो करके कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। बताइए पार्लियामेंट में, बताइए लाइन काट दिया है, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सर, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है, वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा, हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे, और लेकिन देना नहीं देना वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। तो महोदय, ये लोग ज्यादा कुछ है नहीं, फिर कल हमको बोलना ही है स्वास्थ्य विभाग पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारी
अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी से आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिए। नहीं हो गया महोदय, और बाकी तो हम दिलवा देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों का बल है, असली ताकत आप लोग हैं। आप लोग मजबूत रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हर एक परिस्थिति में आप लोग खड़े रहते हैं तो लड़ने का साहस और बढ़ता है। शकील साहब आप वाह, आप जो शायर शायरी जो किए, हम भले ही छोटे हैं लेकिन आपने जो हौसला अफजाई किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के प्रति बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो हमारा कटौती आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांग संख्या 41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 59,18,86,67,000 रुपए का अनुदान मांग स्वीकृत हेतु सदन में समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और सब लोगों से मांग है महोदय कि सब सहमति से जो है इसको जो है पारित करने का काम। और जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव लाया है, कटौती प्रस्ताव जो लाया है वो जो है वापस ले माने सदस्य। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?